हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया फ्री वर्क परमिट के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर से जिनको ऑफर लेटर मिला, उसके बाद उनको वीज़ा मिला, उनका सारा प्रोसेस जानेंगे कि लाइक उनको कैसे वीज़ा मिला, कैसे ऑफर लेटर मिला और लाइक क्या उनकी कॉस्ट आई और क्या उनको क्या कंपनी बेनिफिट्स दे रही है, कौन सी कंपनी उन्होंने अप्लाई करा और कैसे अप्लाई करा। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, फ्री वर्क परमिट लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए लाइक बहुत हेल्पफुल होगी। मेरा नाम है जी ए के वर्मा, आप देख रहे हैं ग्रो अप सर्विसेज। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑफर लेटर जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर्स को मिला है। ये आपके सामने ऑफर लेटर है। अब मैं बात करता हूँ लाइक बेनिफिट्स कंपनी क्या दे रही है, लाइक ऑफर लेटर मेन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अगर आपको भी कोई ऑफर लेटर मिलता है, लाइक आपने भी किसी के थ्रू अप्लाई कराया है या खुद अप्लाई कराया है, आपको कंपनी ने ऑफर लेटर भेजा, तो आपने चेक कैसे करना है और कैसे वेरीफाई करना है कि वो ठीक ऑफर लेटर है, लाइक जेन्युइन है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका वहाँ क्लियरली नाम मेंशन होगा कि लाइक कंपनी नेम मेंशन होगा, उसके बाद आपका नाम मेंशन होगा, उस पर लिखा होता है कि लाइक कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। जैसे कि इनके केस में जो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की बात करूं तो वो है जी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ, लाइक कि 4 साल तक कंपनी उनको नहीं निकाल सकती और लाइक अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो लाइक वो 3 महीने बाद छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ फूड एंड अकोमोडेशन की, फूड एंड अकोमोडेशन कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है। जॉब लोकेशन की बात करूं तो लाइक आपको वहाँ पे मेंशन होता है कि कौन सी लोकेशन में आपको लाइक जॉब मिलेगी। और उसके बाद बात करते हैं रोल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करा और आपको कौन सी पोजीशन में जॉब मिली है। जो इनकी जॉब रोल की बात करें वो है जी स्टोर कीपर। और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो लाइक वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और इनकी जॉब टाइमिंग की बात करूँ तो वो है 9 to 5 और मंडे टू फ्राइडे। अगर सैटरडे संडे काम करते हैं या फिर ओवर टाइम लगा, उसके पैसे इनको अलग से मिलते हैं। और अगर सैलरी की बात करूँ वो सैलरी है जी 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि इंडिया के 3 लाख बनती है। और ये सैलरी जो है इनको 25 तारीख को हर महीने इनको इनके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और सेकंड पेज पे आऊँ तो सेकंड पेज पे लाइक इनका लिखा हुआ है जैसे कि इनको सिक लीव जो मिलेगी वो भी पेड होती है, और उसके बाद लाइक पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो होते हैं, एनुअल लीव होती हैं जो कि 30 डेज की इनको मिलती हैं, मतलब साल के अंदर आपको 30 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। अगर उसमें इंडिया भी जाते हो तो वो भी पेड होती है, लाइक उनके भी आपको पैसे मिलते हैं। और जो बेनिफिट की और बात करूँ तो लाइक एयर टिकट, एम्बेसी भी सारा चीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है, और वो सारी चीज़ें आपके ऑफर लेटर पर लिखी होती है। अगर जो कंपनी नहीं प्रोवाइड करती तो वो चीज़ें कभी आपके ऑफर लेटर पर नहीं मेंशन होंगी। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं आपको एयर टिकट भी दे रही है, एम्बेसी फीस भी दे रही है, तो पहले तो आप अपना ऑफर लेटर चेक करो कि आपके ऑफर लेटर में वो चीज़ें दिखाई गई हैं कि नहीं, बिकॉज कि आपने साइन करके उसको भेजना होता है। लाइक आपने साइन करा तो आपका कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है, जैसे कि 3rd पेज में वो सारी चीज़ें मेंशन है। और जब इन्होंने अपना लाइक अपना ऑफर लेटर साइन करके भेजा, उनको सारी चीज़ें ओके लगी, हमने कहा कि आप खुद भी चेक करो सारी चीज़ें, और हमने भी चेक करी थी, तो उसके बाद लाइक इनको सारा कुछ डन लगा तो इन्होंने साइन करके भेज दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे कि 20 डेज में जो इनका ऑफर लेटर रिसीव हुआ था हमें, उसके बाद कंपनी ने इनका स्पॉन्सरशिप अप्लाई करी, उसके बाद आया इनका वीज़ा। ये आपके सामने वीज़ा है जो कि 482 सब क्लास का वीज़ा है। और ये जो इनका वीज़ा है ये आया था 30 डेज में, मतलब 30 डेज में वीज़ा आया और लाइक 20 डेज में इनका लाइक ऑफर लेटर आ गया। तो 50 दिन में पूरे 50 डेज में इनका सारा प्रोसेस हो गया कि लाइक इन्होंने जब से अप्लाई करा, जब से कंपनी के साथ अप्लाई करा, उसके बाद से जो इनका प्रोसेसिंग टाइम था वो 50 डेज का था। उसमें इनका ऑफर लेटर भी मिला, इनका स्पॉन्सरशिप भी आ गई, उसके बाद इनका वीज़ा भी आ गया। तो देखो प्रोसेसिंग टाइम तो इस वक्त यही चल रहा है कि लाइक बहुत अच्छा प्रोसेसिंग टाइम है, कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा है सारा, क्योंकि देखो कंपनी डिले नहीं कर रही, डिले कर रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एम्बेसी करती है, उनका 30-35 डेज 40 डेज लग जाते हैं। पर जो कंपनीज हैं अगर उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, उनको लाइक सारी चीज़ें ओके लगती हैं, तो वो आपको ऑफर लेटर 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में भेज देती है, ये उनका प्रोसेस होता है। अब बात करता हूँ कि इन्होंने कैसे अप्लाई करा था, लाइक कि इनको कैसे इन्होंने कंपनी फाइंड करी, कैसे इन्होंने सारी चीज़ें करी। तो पहले मैं बात करता हूँ कि लाइक ये ना जैसे कि अप्लाई काफ़ी टाइम से कर रहे थे, काफ़ी एजेंट्स के पास गए थे जहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली थी, लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप साइड किसी भी कंट्री में जाना चाहते थे जहाँ पे इनका फ्यूचर बन पाए, लाइक इनको अच्छी सैलरी मिले, इनका अच्छा फ्यूचर बन पाए, कल को ये अपनी फैमिली को वहाँ सेटलमेंट दिला सकें। तो इन्होंने मेरी वीडियो देखी, जैसे मेरे पहले सब्सक्राइबर्स का वीज़ा आया था तो इन्होंने कहा कि लाइक मैंने सर वही प्रोसेस करवाना है और आपसे करवाना है, और लाइक मुझे गाइड कर सकते हो तो मुझे गाइड कर दो सारा। लाइक फिर मैंने इनको गाइड करा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपकी लगती है, कैसी प्रोफाइल लगती है, कैसे हम ऑफर लेटर वीज़ा ले सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने इनको गाइड करी। फिर लाइक मैंने इनसे इनकी चीज़ें पूछी कि आप लाइक क्या करते हैं, क्या हो, क्या क्वालिफिकेशन है, तो सारा इन्होंने बताया कि लाइक इनकी जो क्वालिफिकेशन थी 12th पास थे, इनका वेयर हाउस में थोड़ा लगभग 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे इनका लगा कि हाँ मैं इनका कर सकता हूँ आगे, मतलब इनका प्रोसेस आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने करा, मैंने कंपनी से डील करी। फिर मैंने इनका लाइक सीवी कवर लेटर अच्छे से प्रिपेयर किया, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करी। लाइक सीवी कवर लेटर जो होता है ना उसमें आपको अच्छे से मेंशन करनी पड़ती है, कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, इंडिया की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, बाहर की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, मतलब दुनिया की किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कोई अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सीवी एंड कवर लेटर की नीड होती है। और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हो तो मैंडेटरी होता है कि आपको लाइक ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का सीवी एंड कवर लेटर की नीड होती है, तो इनका वो अच्छे से प्रिपेयर करा।
जो कंपनी को रिक्वायरमेंट थी, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कंपनी मांगती है कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन चाहिए, वो हमें वो चीज़ें पता हैं, तो हमने वो चीज़ें मेंशन करी, सब कुछ करा, फिर डायरेक्ट कंपनी को इनका मेल करा सीवी कवर लेटर, और उसके बाद इनका ऑफर लेटर आ गया। ये सारा प्रोसेस मतलब ईजी हो गया और जल्दी हो गया। प्रोसेस काफ़ी खुश थे, मुझे कॉल करके इन्होंने खुद ये सारी चीज़ें बताई। जिस दिन का वीज़ा आया मुझे वीज़ा भी इन्होंने सेंड करा। और अगर आप भी ऐसे अप्लाई करना चाहते हो, सेम कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने अप्लाई करा, वैसे आप भी अप्लाई करना चाहते हो, तो इस कंपनी में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लाइक इनके वेयर हाउसेज भी हैं और इनके सुपरमार्केट्स भी हैं, मतलब ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में इनकी ब्रांचेस हैं। तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे वेयर हाउस में जॉब है, पैकिंग पिकर पैकर की जॉब है, और लाइक आप स्टोर सुपरवाइजर स्टोर्स में सेल्स में काम है वहाँ पे, और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी है, मतलब हर टाइप की वैकेंसीज इनके पास हैं। और आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, बिकॉज कि देखो अभी वैकेंसीज हैं इनके पास, कल को फुलफिल हो जाती हैं। लाइक क्योंकि देखो कोई भी कंपनी होती है उसका एक क्राइटेरिया होता है कि हमने इतने पर्सन हायर करने हैं, अगर इनका फुल हो जाता है तो मैं नहीं कह सकता कि कब इनकी वैकेंसीज ओपन होंगी, पर इस टाइम ओपन है और इस टाइम वीज़ाज भी आ रहे हैं, इस टाइम ऑफर लेटर भी जल्दी आ रहे हैं। लाइक कंपनी रेप्यूटेड कंपनी में अप्लाई करते हो तो जरूर हमारा प्रोसेस होता है। तो इस कंपनी में आप भी अप्लाई करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स ले सकते हो मुझसे, और कैसे अप्लाई करना है सारा प्रोसेस आप जान सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूँ कि लाइक हम कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हो तो कॉस्ट क्या आती है। देखो मैं मोटा मोटा बात करता हूँ कि कॉस्ट की, सबसे पहले देखो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा बहुत खर्चा होता है। तो वीज़ा कॉस्ट की बात करूँ तो लाइक जेन्युइन जो कंपनी होती है, जो जेन्युइन प्रोसेस होता है, आपको फ्री में वीज़ा मिलता है, फ्री में आपको ऑफर लेटर मिलता है, बस कुछ तरीके होते हैं, उस तरीकों को फॉलो करना होता है। अब मैं बात करता हूँ लाइक अप्लाई करते हो किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो चार्जेस क्या लगते हैं। तो चार्ज की सबसे पहले बात करूँ तो जीरो चार्जेस आते हैं आपके, बिकॉज कि देखो अगर कंपनी आपको ऑफर लेटर दे रही है, स्पॉन्सर कर रही है कंपनी आपको, देखो फुल कंपनी स्पॉन्सर करती है, कोई भी कंपनी ऐसे नहीं होता कि लाइक थोड़ी चीज़ें देती है थोड़ी नहीं देती। जो जेन्युइन कंपनी होती है, जो रेप्यूटेड कंपनी होती है, वो अपने जो लाइक काम करने वाले लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, फूड एंड अकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, एयर टिकट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, और यहाँ तक कि एम्बेसी फीस जो होती है ना वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसको हम वीज़ा फीस कहते हैं। तो जब सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करी है तो आपका काम क्या, आपका काम सिर्फ इतना है कि लाइक कंपनी में अच्छे से वर्क करना, कंपनी को लाइक उसकी वैल्यू प्रोवाइड करना, जो कंपनी आपको चीज़ें दे रही है उसकी वैल्यू प्रोवाइड करना, फिर आपका काम हो जाता है। देखो जी पता क्या चीज़ होती है कि हम किसी एजेंट को 20 लाख 25 लाख देते हैं तो क्या होता है, कल को हमें काम तो करना पड़ता है कंपनी में, बिकॉज जो सैलरी है ना वो आपको लाइक कोई कंसल्टेंट तो सैलरी देगा नहीं, देगा कौन आपको, जो कंपनी देगी आपको सैलरी आपको। लाइक कल को अगर आपने पीआर भी लेनी होती, जो पीआर के पॉइंट्स होते हैं वो भी कंपनी के बिहाफ पे ही बनते हैं, आपकी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट होता है उसके बाद ही आपके ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, उसके बाद ही आप वहाँ पीआर ले सकते हो। तो आपको काम बहुत अच्छे से करना पड़ता है। अगर कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं आती, नॉर्मल सी कॉस्ट होती है, आपको एक पीसीसी और मेडिकल की ज़रूरत होती है, जो कि आपका मेन खर्चा होता है, जो थोड़ा बहुत ही खर्चा होता है, आपने लोकल एरिया में कहीं से भी पीसीसी करवा सकते हो, मेडिकल करवा सकते हो। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। देखो मार्केट में कैसे लोग बैठे हैं, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि लाइक कैसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ लाइक अच्छे से गाइड नहीं कर रहे। देखो गाइड तो कोई तब करेगा ना जब उसको पता होंगी चीजें, लोगों की वीडियोस देख के वो भी सामने आपको गाइड करे, जैसे मेरी वीडियो को देख के कंसेप्ट कॉपी करते हैं, सेम सारी चीजें बताते हैं। देखो उनके हाथ में कुछ नहीं, उनके हाथ में सिर्फ यही है कि लाइक वो बोल सकते हैं, वो आपको चीजें थोड़ी बहुत गाइड कर सकते हैं, पर उनके हाथ में प्रैक्टिकली कोई काम करना लाइक उनके बस की चीज नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ कंपनी के साथ टाई अप है, तो मेरे टाई अप्स हैं तभी मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। टाई अप्स कैसे होते हैं, आप लाइक इस फील्ड में काफी टाइम से हो, तो आप किसी भी फील्ड में काफी टाइम से, तो आपको लोग जानते हैं, इंप्लॉयर्स मुझे जानते हैं, लाइक मुझे मेरे साथ लाइक जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, तो मेरे साथ टाई अप हो जाते हैं। और जो लोग होते हैं जो लाइक कंसेप्ट कॉपी करते हैं और लाइक सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ कोई टाई अप नहीं होते, वो आपका काम कभी नहीं करवा के दे सकते, सिर्फ वो बातें बना के आपको बोल सकते हैं, चीजें समझा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। हम क्या करते हैं, मेरी टीम क्या करती है, हम लाइक लोगों की प्रोफाइल पहले देखते हैं, क्या बंदा एलिजिबल है। ऐसा तो नहीं है कि लाइक सबका वीज़ा आ जाएगा, सबका वीज़ा आना होता तो पूरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया बैठा होता या कहीं बाहर की कंट्री बैठा होता। एलिजिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं आपका भी लाइक प्रोफाइल मैटर करती है, आपकी लाइक स्ट्रेंथ मैटर करती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। आप मुझसे बात करते हो सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल ही पूछता हूँ कि लाइक आप क्या करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें पूछता हूँ, बिकॉज कि इनके बाद ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ आपको कहाँ जॉब में लाइक आपको कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए, कहाँ के लिए नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बात तभी होती है जब आप बात करते हो, सारी चीज़ें खुल के चीज़ें हमसे हमारे साथ शेयर करते हो। सो होपफुली आपको सारी गाइडेंस मिल गई होगी, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, लाइक सारी चीज़ें कैसे क्लियर करनी है। और अगर कोई चीज़ें रह गई हैं और आपको पूछना है, या फिर आपने लाइक टाइप वाली कंपनी में अप्लाई करवाना है, या किसी भी कोई भी तरह की हेल्प लेनी है, सीवी कवर लेटर में हेल्प लेनी है, कोई भी तरह की हेल्प लेनी है,
तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, मुझसे बात करिए, मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगा अच्छे से कि लाइक आपने अप्लाई कैसे करना है, सीवी कवर लेटर कैसे बनाए, सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद आपने ऑफर लेटर वीज़ा कैसे लेना है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके और लोगों को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच।